गुरुवार सुबह से हो रही भारी बारिश से असम में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। साथ ही एक शख्स की मौत भी हो गई है। असम के 4 जिलों में बाढ़ की हालत गंभीर बनी हुई है और करीब 78,000 लोग अभी भी प्रभावित बताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर हालात में सुधार होते दिख रहा है। असम राज्य अपना प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक लखीमपुर और करीमगंज जिलों में करीब 1,00,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 100 गांव जलमग्न हैं, जबकि सैकड़ों हेक्टेयर कृषि भूमि का नुकसान हुआ है। सरकार की तरफ से 16 राहत शिविर लगाए गए हैं, जहां फिलहाल सैकड़ों लोगों ने शरण ले रखी है। अभी जिया भराली और कोपली नदी खतरे के निशाने के ऊपर बह रही है। अभी तक तो गुसारा गुवाहाटी में मेन जगह में पूरा पानी भरा हुआ है। अभी 2 कैजुअल्टी है, एक बड़ा आदमी एक बच्चा मर गया है, हम लोग जो सुना है। तो इसका भरा है जो इलेक्ट्रिसिटी का लाइन है, जो लाइन का पोस्ट है, उसके पोस्ट से आके वो डेड हो गया है। आप देखिए, डिजास्टर नाम पे एक मैनेजमेंट का कोई एक संस्था है, अभी देख रहा है कितना पानी भर रहा है, लेकिन उन लोग का आदमी अभी तक नहीं पहुंचा है। अगर ऐसा होगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट का दरकार क्या है? हम लोग का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तक कोई उन लोग का बारे में कोई प्रिकॉशन लेना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता